बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की नई वफाकी काबीना में किस वजीर को कौन सी वजारत दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आपके आने वाले हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक ज़रूरी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर डिफेंस जो हैं, वजीर दिफा जिसे हम कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इनसे पहले परवेज खटक जो थे वो वजीर दिफा थे। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर मेरी टाइम अफेयर्स। मेरी टाइम अफेयर्स यानी कि वजारत बहरी अमूर, वो जो है करंट सैयद फैसल अली सब्जवारी हैं। इनका ताल्लुक कराची से है, एमक्यूएम से। इनसे पहले सैयद अली हैदर जैदी मेरी टाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हुआ करते थे। इस डिपार्टमेंट को, मेरी टाइम अफेयर्स की जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री जो है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग भी कहा जाता है। हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। सो सदर आरिफ अलवी ने नहीं, बल्कि सादिक संजरानी ने, जो नए काबीना है, इनका हलफ लिया था। और ये हलफ लिया गया है 19 अप्रैल 2022 को, जिसमें फेडरल मिनिस्टर 31 थे जिन्होंने हलफ लिया, और जो मिनिस्टर थे वो 3 थे। सो इस तरह 34 वफाकी काबीना थी ये। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी फेडरल कैबिनेट इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स। सो जो पाकिस्तान की हमारी आईन है उसके मुताबिक वफाकी काबीना जो है इसमें 49 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। आईन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 49 होने चाहिए, और आईन के मुताबिक पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इसके पास 5 एडवाइज़र्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये आप मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। वजीर इतलात जो हैं ये मरियम औरंगज़ेब हैं। मरियम औरंगज़ेब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे पहले फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। सो वजारत कानून और इंसाफ का जो कलमदान है ये आज़म नज़ीर तारड़ को दिया गया है, और इससे पहले जो है फरू नसीम जो थे वो मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। सो हिना रबानी खर जो है ये करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। इनके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सो एहसन इकबाल जो हैं, वजारत मनसूबा बंदी इनको दी गई है, और ये 19 अप्रैल को बने हैं। इनसे पहले असद उमर वजारत मनसूबा बंदी के वजीर थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान। सो सैयद अमीनुल हक इसका करेक्ट आंसर है। सैयद अमीनुल हक की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई में, वो भी उस वक़्त भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, और अब भी इनको यही दी गई है, यही वजारत दी गई है। द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर दाखला जो हैं पाकिस्तान के राना सनावला हैं। इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। इनसे पहले शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स। सो पार्लिमानी अमूर के जो मौजूदा वफाकी वजीर हैं वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का भी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज इन पाकिस्तान इज़। सो ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे हैं मौजूदा, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। इसके साथ साथ इनसे पहले जो रेलवे के मिनिस्टर थे वो आज़म सवाती थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। सो डिफेंस
अलग एक वजारत है, मिनिस्ट्री है, और डिफेंस प्रोडक्शन एक अलग जो है मिनिस्ट्री है। मोहम्मद इसरार तरीन, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और ये इनकी जो पार्टी है वो BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान की वजारत दी गई है। इनसे पहले ज़ुबैदा जलाल हुआ करती थी डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्टर, और ज़ुबैदा जलाल का भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? सो सैयद मुर्तज़ा महमून जो है ये करंट मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान? सो तारिक बशीर चीमा इसका करेक्ट आंसर है। तारिक बशीर चीमा की जो पार्टी का नाम है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान? सो कम्युनिकेशन के मवासलात के जो वज़ीर हैं मौजूदा वो असद महमूद हैं, 19 अप्रैल को ये बने हैं। इनसे पहले मुराद सईद जो थे वो वजारत मवासलात के वज़ीर थे। सो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसे 14 अगस्त 1947 को ही बनाया गया था, और ये ओल्डेस्ट एक मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में। हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स इन पाकिस्तान? सो मोहम्मद तलहा महमून इसका करेक्ट आंसर है, और ये भी 19 अप्रैल को ही इन्होंने हलफ लिया है। इनका ताल्लुक हज़ारा डिवीज़न से है, और आपसे ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद तलहा महमून किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इन पाकिस्तान? सो वज़ारत मजहबी अमूर जो है मुफ्ती अब्दुल शकूर को दी गई है। मुफ्ती अब्दुल शकूर इसका करेक्ट आंसर है। इनसे पहले नूरुल हक कादरी हुआ करते थे वफाकी मजहबी अमूर। द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर नरकाटिक्स कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान इज शाहज़ैन बुगटी। शाहज़ैन बुगटी जो है इन्हें इंसदाद मंशियात का वफाकी वज़ीर बनाया गया है। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इसके साथ साथ इनसे पहले जो थे वो नरकाटिक्स के कंट्रोल के जो मिनिस्टर थे वो थे एजाज़ अहमद शाह। एजाज़ अहमद शाह इसका करेक्ट आंसर है, और अभी का करेक्ट आंसर है शाहज़ैन बुगटी। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वज़ीर ख़जाना जो है मिफ्ता इस्माइल हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले शौकत तरीन हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, और उन्होंने अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक सर्व किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स? सो मौलाना अब्दुल वासे जो हैं ये फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स के। इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। JUF जमात उलमाए इस्लाम से जो है उनसे ताल्लुक ये रखते हैं। इनसे पहले चौधरी तारिक बशीर चीमा जो थे वो फेडरल मिनिस्टर थे फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन? सो मिस्टर आबिद हुसैन भयो जो हैं वफाकी वज़ीर हैं, निजकारी के वफाकी वज़ीर हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और आपसे ये क्वेश्चन है कि आबिद हुसैन भयो का किस प्रोविंस से ताल्लुक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इनसे पहले मोहम्मद मियाँ सुमरो जो के सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी के वफाकी वज़ीर हुआ करते थे। हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? सो साजिद हुसैन तूरी इसका करेक्ट आंसर है। साजिद हुसैन तूरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान? इंसानी हकूक के जो वफाकी वज़ीर हैं मौजूदा वो एहसानुर्रहमान मज़ारी हैं। एहसानुर्रहमान मज़ारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पहली गवर्नमेंट में पिछली गवर्नमेंट में शीरीन मज़ारी जो थी वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी पाकिस्तान में। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी? सो ये शाजिया मरी साहिबा हैं। शाजिया मरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये एक MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे पहले सानिया निश्तर जो थी वो पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी की वफाकी वज़ीर हुआ करती थी। पावर्टी एलिवेशन का मतलब होता है गुर्बत से खात्मा, और सोशल सेफ्टी का मतलब होता है सामाजिक तहफ़ुज़।
हु इज द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो अब्दुल कादिर पटेल इसका करेक्ट आंसर है। अब्दुल कादिर पटेल जो है ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं। इनसे पहले आमिर महमूद कियानी को ये वजारत थी, ये पोर्टफोलियो था। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ पाकिस्तान, वजारत मौसमियाती तब्दीली। सो ये शीरी रहमान साहिबा हैं। शीरी रहमान जो हैं ये इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये एक सेनेटर भी हैं। और इनसे पहले जरताज गुल, पीटीआई की जरताज गुल जो थी उनके पास ये पोर्टफोलियो था क्लाइमेट चेंज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेस। सैयद खुर्शीद शाह जो हैं ये मौजूदा वफाकी आबी वसाइल हैं। सो ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये सक्कर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पहले मुनिस इलाही जो थे उनके पास ये पोर्टफोलियो हुआ करता था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान। सो वजीर तिजारत जो हैं पाकिस्तान के वो सैयद नवीद कमर हैं, और नवीद कमर का भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनसे पहले कॉमर्स के मिनिस्टर अब्दुल रजाक दाऊद हुआ करते थे। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये राना तनवीर हुसैन हैं, राना तनवीर हुसैन इसका करेक्ट आंसर है। इनसे पहले शफकत महमूद हुआ करते थे। और अमीर मुकाम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, कमर जमान कायरा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और ओन चौधरी जिनका ताल्लुक जेकेटी से है, ये जो हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब उनके एडवाइज़र्स मुशीर बनाए गए हैं ये तीनों। अब आपने क्या करना है कि test.point.pk विज़िट करना है, जहां आपको करंट जो भी वफाकी वज़ीर है या सूबाई वज़ीर है उनके बारे में डिटेल के साथ यहां आपको मिल जाएगा। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां किस तरह के MCQs अपलोड किए जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो आपको लगता है उसको टिक करें। जो भी करेक्ट आंसर होगा खुद ब खुद यहाँ बोल्ड हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि डॉक्टर इशरत हुसैन हैं कॉमर्स के मिनिस्टर तो इसको आप लगाएं। तो ये देखें, आपको खुद बता रहा है कि आपका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर जो है वो बोल्ड है, सैयद नवीद कमर हैं। सो ये एक ऐसी वेबसाइट है पाकिस्तान में जहाँ लेटेस्ट और अप टू डेट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे डिटेल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। ये भी आपको बताएगा कि इससे पहले ये वजारत किसके पास थी, अब जो मौजूदा हैं इनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है। इस तरह आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है तमाम पास्ट पेपर्स के लिए और तमाम टेस्टों के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है। और पिक्चर्स भी यहाँ दिए गए हैं, और पिक्चर्स से ये होता है कि इंसान ज़्यादा देर तक याद कर लेता है। सो इसको आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर की PDF भी मैंने दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसको अपलोड डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो भी डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इंग्लिश के रिलेटेड, और इसके साथ साथ इस्लामियात के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड, एवरीडे साइंस, तमाम पास्ट पेपर्स बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ अपलोड किए जाते हैं। आप इस वेबसाइट को, मैं बार बार कहता हूँ, आप ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।